नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BW कैंपस के डेली करंट अफेयर सेक्शन में। डेट है 17 अक्टूबर 2019। वीडियो से जुड़े PDF को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाएं और वहां से आसानी से वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे इज ऑब्जर्व्ड, अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्रामीण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 13 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 14 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी 15 अक्टूबर। इस दिन को 15 अक्टूबर को हर साल यह दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। यह दिन आधुनिक अर्थव्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं के महत्व और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान पर प्रकाश डालता है। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर 2008 को ग्रामीण महिलाओं का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 18 दिसंबर 2007 को अपने संकल्प में महासभा द्वारा यह स्थापित नया अंतर्राष्ट्रीय दिवस ग्रामीण महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को मान्यता देता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, विच रूल विल डिसाइड अ विनर ड्यूरिंग टाई मैच एज पर द न्यू ICC रूल, नए ICC नियम के अनुसार टाई मैच के दौरान कौन सा नियम विजेता तय करेगा? ऑप्शन ए है सुपर ओवर, ऑप्शन बी है डकवर्थ लुइस, ऑप्शन सी है नॉकआउट और ऑप्शन डी है फर्स्ट रन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुपर ओवर। ICC के नए नियम के अनुसार सुपर ओवर, यदि दोनों टीमें बराबर रन बनाती हैं तो सुपर ओवर विजेता का फैसला करेगा। ICC द्वारा यह घोषणा की गई कि सुपर ओवर तब तक जारी रहेगा जब तक कि एक टीम विजेता के रूप में नहीं उभरती है। सुपर ओवर पहली बार 2008 में T20 में इस्तेमाल किया गया था और 2011 में क्रिकेट विश्व कप में पहली बार एक दिवसीय क्रिकेट के रूप में हुआ था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ICC का लोगो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। हेडक्वार्टर दुबई UAE में है, जिसके CEO हैं मनु सहानी, चेयरपर्सन है शशांक मनोहर। मेंबरशिप जो इसमें है वो 104 कंट्रीज की मेंबर है, जिसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। बात आई है UAE की तो बढ़ते हैं मैप की तरफ। कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, जो इसके प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद अल नहायन और जो इसके PM है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री, वॉट इज द नेम ऑफ इंडियन ऑरिजिन इकोनॉमिस्ट हु रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ विनर ऑफ नोबेल प्राइज 2019 फॉर इकोनॉमिक्स, हाल में ही अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 के विजेता घोषित किए गए भारतीय मूल के अर्थशास्त्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए है विश्वजीत चटर्जी, ऑप्शन बी है अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन सी है SK बर्मन और ऑप्शन डी है अनिल जोसेफ मुखर्जी। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी उनकी पत्नी एस्तेर डुफ्लो और माइकल क्रामर को वैश्विक गरीबी को समाप्त करने के लिए जो प्रयोग किया उस पर इनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। अभिजीत बनर्जी से पहले 1998 में अमर्त्य सेन को यह सम्मान दिया गया। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अभिजीत बनर्जी, एस्तेर डुफ्लो और माइकल क्रामर को ये संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया है। 2019 का नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें कि नोबेल प्राइज स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने इसकी स्थापना की थी। यह रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा और आर्थिक विज्ञान में दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ टूनीसिया, हाल में ही ट्यूनीसिया के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? ऑप्शन ए है मोहम्मद अलवरूनी, ऑप्शन बी है अल्ताफ हुसैन, ऑप्शन सी है कैस सैयद और ऑप्शन डी है इक्तिफार खान। इसका सही आंसर है कैस सईद यानी ऑप्शन सी। पूर्व कानून के प्रोफेसर कैस सैयद को ट्यूनीसिया के राष्ट्रपति के चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल हुई है। उन्हें अपने पक्ष में लगभग 77% वोट मिले, जबकि उम्मीदवार नबील कैरई को 23% वोट मिले। इनके चुनाव प्रचार
दौरान बड़े पैमाने पर रैलियों और डोर टू डोर अभियान चलाए गए। आप मैप में देख पा रहे होंगे टुनीसिया के मैप को, कैपिटल है टुनीस, करेंसी है टुनीसियन दिनार, जिसके प्रेसिडेंट हैं बैजी कैद एसएसबी और जिसके पीएम हैं यूनिस चाइल्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे इज ऑब्जर्व, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 14 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 13 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 12 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 11 अक्टूबर। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 14 अक्टूबर। हर साल विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए इनके बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के भीतर मानकीकरण के अपने महत्व को बढ़ाता है। आपको बता दें कि 1946 में जब 25 देशों के प्रतिनिधि लंदन में एकत्र हुए और मानकीकरण की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाने का फैसला लिया गया, और तभी से 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाने का फैसला लिया गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड जापान एट मिजोरम। मिजोरम में भारत और जापान के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। ऑप्शन ए है विश्व विजेता 2019, ऑप्शन बी है रक्षा पर्व 2019, ऑप्शन सी है अल्ट्रा बैटल 2019 और ऑप्शन डी है धर्म गार्डियन 2019, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी धर्म गार्डियन 2019। भारत और जापान सैन्य संबंध को मजबूत करने के लिए मिजोरम में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म रक्षक यानी धर्म गार्डियन 2019 का आयोजन किया गया, आयोजन कर रहे हैं। यह पहली बार वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था। मिजोरम में अंतिम संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया गया था। दोनों देशों में अपनी युद्ध संबंधी विशेषज्ञता साझा करने के लिए ये जो एक्सरसाइज है वो की गई है। बात आया है जापान का, तो बढ़ते हैं इसके मैप की तरफ। कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन और जिसके पीएम है शिंजो अबे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, द यूनाइटेड स्टेट रिसेंटली इम्पोज्ड सैंक्शन ऑन विच कंट्री ओवर इट्स इंक्रीशन इनटू सीरिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल में ही किस देश पर सीरिया में घुसपैठ पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है टर्की और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टर्की। अमेरिका ने हाल में ही उत्तरी सीरिया में आक्रमण को लेकर टर्की के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधों का आह्वान संघर्ष विराम, इस्पात शुल्कों में वृद्धि और तुर्की के साथ एक व्यापार समझौते पर वार्ता रद्द करना है। बात आई है सीरिया की, जो अटैक हुआ है, जहां घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी वो सीरिया, तो बात आई है सीरिया की। तो बढ़ते हैं इसके मैप की तरफ, देख पा रहे होंगे मैप, जिसका कैपिटल है दमस्कस, लैंग्वेज है अरेबिक, जिसके पीएम है इमाद खामीस, करेंसी है सीरियन पाउंड और जिसके प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद। बढ़ते हैं अगले मैप की तरफ। बात आई थी टर्की की भी, तो देख लें मैप में, टर्की जिसका कैपिटल है अंकारा, करेंसी है टर्किस लिरा, जिसके प्रेसिडेंट हैं रिसेप तईब एद्रोआन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडियन एयरलाइन बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू यूज टैक्सी बोट ऑन ए 320 एयरक्राफ्ट विद पैसेंजर ऑन बोर्ड। ए 320 विमान में सवार यात्रियों के साथ टैक्सी बोट का उपयोग करने वाला विश्व का पहला कौन सा इंडियन एयरलाइंस बन गया है। ऑप्शन ए है स्पाइस जेट, ऑप्शन बी है एयर इंडिया, ऑप्शन सी है इंडिगो और ऑप्शन डी है गो एयर, जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एयर इंडिया। एयर इंडिया ए 320 विमान पर टैक्सी बोट का उपयोग करने के लिए विश्व स्तर पर पहली एयरलाइन बन गई है, जो कि बोर्ड में यात्रियों के साथ भी ये थी। टैक्सी बोट एक रोबोट एक्सेस एयरक्राफ्ट ट्रैकर है जो पार्किंग वे से रनवे तक विमान को टैक्सी करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो एयर इंडिया है वो फाउंड हुई थी 15 अक्टूबर 1932 को, तब जो इसका नाम था वो था टाटा एयरलाइंस। जो कमर्ड हुई थी, कमर्ड ऑपरेशन, जिसका नाम एयर इंडिया
29 जुलाई 1946 को कर दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जो हब है वह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, और जो दूसरा हब है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, जिसके फाउंडर हैं जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा, जिसके चेयरमैन हैं अश्वनी लोहानी। मैप की तरफ बढ़ते हैं, बात आई थी दिल्ली की, जो इसका हब है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जो 1911 में इस्टेब्लिश की गई थी और जिसका इनॉग्रेशन 1931 में हुआ। इसके सीएम है अरविंद केजरीवाल और गवर्नर है अनिल बैजल। बात आई थी मुंबई की भी, रेड कलर में जो महाराष्ट्र को डिनोट करता है, जो महाराष्ट्र जिसका कैपिटल है मुंबई, सीएम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है सी विद्यासागर राव। लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। जहाँ का फोक डांस है पावरी नाच, और जो नेशनल पार्क यहाँ पे है वो है संजय गांधी नेशनल पार्क, और जो दूसरा है वो है तोडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। जस्टिस अनिल कुमार गोस्वामी वॉज रिसेंटली शॉर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाईकोर्ट। न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने हाल में ही किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ऑप्शन ए है सिक्किम हाईकोर्ट, ऑप्शन बी है मणिपुर हाईकोर्ट, ऑप्शन सी है गुवाहाटी हाईकोर्ट, और ऑप्शन डी है चंडीगढ़ हाईकोर्ट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी सिक्किम हाईकोर्ट। न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट की जगह पे सिक्किम के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें जो शपथ है वो राज्यपाल गंगा प्रसाद ने दिलाई। आपको बता दें कि देश भर में जो कुल 25 न्यायालय हैं, ये न्यायालय क्या है? न्यायालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मूल अधिकार क्षेत्रों के प्रमुख नागरिक न्यायालय हैं। बढ़ते हैं मैप की तरफ, बात आई है सिक्किम की, जिसका कैपिटल है गंगटोक, गवर्नर है गंगा प्रसाद, सीएम है पवन कुमार चामली, राज्यसभा में एक सीट है, लोकसभा में एक सीट है, विधानसभा में 32 सीट है। नेशनल जो पार्क है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क, फोक डांस जो है वो है सिंघी छम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, हु ओन द 2019 बुकर प्राइज, 2019 बुकर पुरस्कार किसने जीता। ए है, ऑप्शन ए है लूसी एलमन, ऑप्शन बी है मार्गरेट एटवुड, ऑप्शन सी है चिगोजी ओबियानो, और ऑप्शन डी है इलिक सफाक। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो ने संयुक्त रूप से 2019 बुकर पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित होने के लिए प्रदान किया जाता है। बुकर पुरस्कार मूल रूप से बुकर मैकोनेल पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था। कंपनी बुकर के बाद मैकनेल लिमिटेड ने 1969 में इस आयोजन का प्रपोजन करना शुरू किया। बाद में इसका नाम बदलकर बुकर पुरस्कार कर दिया गया। बात आई है यूनाइटेड किंगडम की, तो चलते हैं उसके मैप की तरफ। आप देख पा रहे हैं कि मैप में यूनाइटेड किंगडम, कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, जिसके पीएम है वो है बोरिस जॉनसन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करंट अफेयर से जुड़े रहें। हम कोशिश करेंगे इसको और बेहतर बनाने के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन सबके पास अच्छे से पहुंच जाए और आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छे से आपकी जो तैयारी इस करंट अफेयर के थ्रू हो पाए। नेवर गिव अप। Never give up.